एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में एक साथ 143 सैटेलाइट्स को भेजने का रिकॉर्ड बनाया। ये कमाल फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट से ये सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए। इनमें से ज्यादातर सैटेलाइट्स कमर्शियल हैं और कुछ सरकारी। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स अंतरिक्ष में अपनी सभी योजनाओं को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं। पिछले साल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं और इसकी 70% उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क ने कहा कि रास्ते में या वहां उतरते ही उनके जीवित नहीं बचने की संभावना अधिक है। मस्क ने कहा, हाल ही में हमें कई ऐसी सफलताएं मिली हैं और मैं इससे बहुत उत्साहित हूं। मैं वहां जाने के बारे में बात कर रहा हूं। मंगल पर आपके मरने की आशंका पृथ्वी से ज्यादा है, वहां मौत होने की संभावना बड़ी है। कई लोग पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर हमेशा लोग मरते हैं, वे अभी भी इसे चुनौती के नाम पर करना चाहते हैं। इसके अलावा एलन मस्क ने घोषणा की है कि वो अंतरिक्ष में एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 निजी यात्रियों को लॉन्च करेगा। ये दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन होगा। इसे इस साल ही लॉन्च किए जाने की योजना है। कंपनी के स्पेसक्राफ्ट को शिफ्ट फोर पेमेंट्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आइज़ैक मैन, जो कि एक प्रशिक्षित पायलट भी है, उसके द्वारा कमान किया जाएगा। इस मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4 रखा गया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि चालक दल कंपनी फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च करेगा। इसके साथ ही दल स्पेस एक्स से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इस ट्रेनिंग में ऑर्बिटल मैकेनिक्स, माइक्रोग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी और स्ट्रेस टेस्टिंग के अन्य रूपों पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि स्पेस एक्स ने अब फैसला कर लिया है कि वो इस साल के अंत तक मानवों को, यानी कि सिविलियंस मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका नाम इंस्पिरेशन 4 रखा गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये मिशन सफल होगा, क्योंकि लगातार अब स्पेस एक्स बुलंदियों को छू रहा है। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।